हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शफाकत अली, आप देख रहे हैं शफाकत टेक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक नए टूल के बारे में देखेंगे कि जिसके ज़रिए हम एआई के ज़रिए वीडियो जनरेट कर सकते हैं। ये कमाल का टूल है। इसमें हम एनिमी जनरेट कर सकते हैं, रियलिस्टिक वीडियो जनरेट कर सकते हैं या फिर 3D वीडियो जनरेट कर सकते हैं। ये कमाल का टूल है। आप अभी देख सकते हैं कि हमारे पास किस तरह के सैंपल क्रिएट किए हुए हैं। आप इस टूल के जरिए कार्टून वीडियो जनरेट कर सकते हैं, मूवी ट्रेलर क्रिएट कर सकते हैं, डिफरेंट वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। ये बहुत ही कमाल का टूल है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको क्रोम ओपन कर लेना है और यहाँ पे ये वेबसाइट सर्च कर लेनी है, pixverse.ai। तो यहाँ पे मैंने गूगल पे ये सर्च किया और यहाँ पे हमारे पास जो पहली वेबसाइट है हम वो ओपन करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि डिफरेंट वीडियो पहले ही क्रिएट की हुई हैं। तो यहाँ पे मैं इस बटन पे क्लिक करके इसे ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे हमें लॉगिन करना होगा या अकाउंट क्रिएट करना होगा। तो मैं गूगल सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे क्लिक करके इसे सिंपल लॉगिन कर लूँगा। गूगल के जरिए लॉगिन करना बहुत ही आसान है। आपने क्लिक करना है, अकाउंट चूज़ कर लेना है। तो यहाँ देख सकते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है वो ओपन हो चुकी है, हमारा अकाउंट लॉगिन हो चुका है। अब हमने क्रिएट के बटन पे क्लिक करना है। तो लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट इनपुट फील्ड शो हो रही हैं। यहाँ पे हमने अपनी प्रॉम्प्ट देनी है और कुछ डाटा इंटर करना है और उस डाटा की बेस पे हमारी वीडियो जनरेट होगी। तो अभी मैंने यहाँ पे सिर्फ बॉय लिखा। यहाँ पे हमारे पास तीन ऑप्शन है, रियलिस्टिक एनिमी और 3D एनिमेशन। यहाँ पे एक्सपेक्ट रेशियो है, उसके बाद हमारे पास सीड्स हैं। तो यहाँ पे आपने ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देनी है। जस्ट रैंडमली आपने चूज़ करना है अगर आप टेस्टिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जनरेट के बटन पे क्लिक किया तो हमारी वीडियो जनरेट हो रही है। ये कुछ ही सेकंड में हमारी वीडियो जनरेट कर देगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी वीडियो जनरेट हो चुकी है। यहाँ पे हमारे पास राइट साइड पे कुछ इन्फॉर्मेशन शो हो रही है, जैसा कि आप अपस्केल करना चाहते हैं तो आप स्केल कर सकते हैं, रीट्राई करना चाहते हैं मतलब आपकी वीडियो ठीक नहीं है तो आप दोबारा रीट्राई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास प्रॉम्प्ट शो हो रही है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसे अपस्केल करेंगे। अगर आपकी वीडियो ठीक से जनरेट हो चुकी है तो आप इसे अपस्केल पर क्लिक करें तो आपकी वीडियो जो है वो अपस्केल हो जाएगी, मतलब कि वो फुल HD में आपको शो होगी। तो अभी हमारी वीडियो जनरेट हो रही है, हम इसका वेट करते हैं। तो यहाँ पे हमारी वीडियो जो है वो अपस्केल हो चुकी है। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी, मैंने जैसे ही डाउनलोड के बटन पे क्लिक किया तो हमारी वीडियो डाउनलोड हो चुकी है। अब जो नेक्स्ट फीचर है वो है इमेज टू वीडियो। हम इमेज से वीडियो भी जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास सेकंड बटन है जो इमेज टू वीडियो है। यहाँ पे हमें अपनी इमेज अपलोड करनी होगी। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ इमेजेस हैं, मैं एक इमेज अपलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं कि हमारी इमेज जो है वो अपलोड हो चुकी है। आप यहाँ पर प्रॉम्प्ट भी दे सकते हैं कि मतलब कि आपकी इमेज किस तरह मूव हो, किस तरह एनिमेट हो। उसके बाद आपने स्ट्रेंथ ऑफ मोशन सेलेक्ट कर लेना है, मतलब कि आपकी इमेज जो है वो कितनी मूव हो वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपके पास सीड्स हैं, वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे क्रिएट के बटन पे क्लिक करके इसे जनरेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी वीडियो जो है वो जनरेट हो चुकी है। यहाँ पे कितनी खूबसूरती से इसने वीडियो जनरेट की है। यहाँ पे आप दोबारा अपस्केल पे क्लिक करके इसे फिर से अपस्केल कर लें और उसके बाद आप अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसे डाउनलोड कर लें। तो यहाँ पे मैंने अपस्केल के बटन पे क्लिक करके यहाँ पे इसे अपस्केल कर लिया। आप इसे प्ले करके टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड के बटन पे क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लें। तो हमारी वीडियो जो है वो डाउनलोड हो चुकी है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। बाय बाय।